हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना पारेख। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ EAFM डिपार्टमेंट एट सोना देवी सेठिया गर्ल्स PG कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम BCom फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का, अर्थ अवधारणा क्षेत्र, व्यावसायिक नीतियों के निर्माण एवं व्यावसायिक निर्णयों में भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय व्यावहारिक अर्थशास्त्र की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंधकीय समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में यदि हम देखते हैं तो व्यावसायिक फर्म की समस्याओं को हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। इसकी परिभाषाएं हैंस के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णय में प्रयुक्त अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच अंतर को पाटने में पुल का काम करती है। यह समस्याओं के स्पष्टीकरण, सूचनाओं के संगठन एवं मूल्यांकन तथा वैकल्पिक कार्य पद्धतियों की तुलना में आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के प्रयोग पर बल देती है। स्पेंसर तथा सीगलमैन के शब्दों में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जॉयल डीन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है। मैकनेयर एवं मेरियम के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यावसायिक परिस्थिति के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्रीय विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें एक फर्म विशेष की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन ना करके व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्रीय घटकों की उपयोगिता को मान्यता। हालांकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति व्यष्टिमूलक है किंतु इसमें व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों एवं भावी योजनाओं में समष्टिमूलक तत्वों का विशेष महत्व है, जैसे व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय लेखांकन आदि। इसलिए व्यावसायिक अर्थशास्त्री इन तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। उसे इन समष्टिमूलक तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके फर्म के निर्णयों में इनको समायोजित करना होता है। तीसरा हमारा बिंदु है फर्म के सिद्धांत अथवा फर्म के अर्थशास्त्र से संबंधित। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उन सभी अवधारणाओं, आर्थिक सिद्धांतों एवं प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम फर्म के सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत लाभ के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है क्योंकि फर्म के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक उद्देश्य संतोषप्रद लाभ कमाना भी होता है। चौथा बिंदु हमारा है निर्देशात्मक अथवा निर्धारक प्रकृति। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति निर्देशात्मक होती है, इसलिए इसके अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों के सैद्धांतिक पहलू का भी अध्ययन नहीं किया जाता है अपितु इन सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग के स्पष्ट निर्देशों की भी व्याख्या होती है कि प्रबंधक क्या करे और क्या ना करे। वहीं पे व्यावसायिक अर्थशास्त्र वर्णनात्मक अर्थशास्त्र ना होकर
निर्धारात्मक अवधारणा है। इसका कारण यह है कि यह आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यवहारिक पहलुओं के बीच एक पुल का कार्य करता है। आर्थिक सिद्धांतों में विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन, विभिन्न चरों का निर्धारण किया जाता है, ना कि उनका वर्णन और विभिन्न चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों के बारे में निर्णय लिया जाता है। जो हमारा पांचवा बिंदु है वो है अधिक व्यवहारिक उपयोगिता। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बहुत ही अधिक व्यवहारिक उपयोगिता भी होती है। अधिक परिष्कृत एवं नवोदित विषय। परंपरागत अर्थशास्त्र की तुलना में व्यावसायिक अर्थशास्त्र अधिक संशोधित एवं परिष्कृत है, क्योंकि यह अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। इसके सिद्धांत व्यावसायिक अनिश्चितता में प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसमें विश्लेषण के लिए आधुनिक गणितीय एवं वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता ली जाती है और इसमें विभिन्न प्रतिरूपों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे विशेषताएं वो होती हैं समन्वयात्मक प्रकृति, बहुविषयक संबंधी और व्यावसायिक अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व क्या होता है। धन्यवाद।